बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत अर्थ और परिभाषा। आज का ये लेक्चर इसी बिंदु पर केंद्रित है। जैकबसन नामक विद्वान का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय राजनीतिक बुद्धिमत्ता की खोज है। प्राय राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विचार, यह सब शब्द राजनीतिक सिद्धांत के समानार्थक प्रयोग किए जाते रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक यथार्थताओं और राज्य संबंधी विषयों के सैद्धांतिक विवेचन है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य संबंधी अध्ययन सामग्री को ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण कर निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करती है। राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण उस समय होता है जब राजनीति, सरकार और राज्य संबंधी अध्ययन सामग्री को तथ्यों के रूप में रखते हुए उन्हें मानव की आवश्यकता, इच्छा और मत के अनुरूप समझने का प्रयास किया जाता है। कैटलिन नामक राजनीतिक विद्वान ने राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान, इन दोनों की समानार्थकता के लिए एक कथन प्रस्तुत किया है कि साधनों के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान और साध्यों के रूप में राजनीतिक दर्शन दोनों ही राजनीतिक सिद्धांत में आ जाने चाहिए। यानी कैटलिन का ये कहना है कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन, इन दोनों को यदि हम समायोजित कर लें, एक को साध्य और एक को साधन के रूप में परिभाषित करें, तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक सिद्धांत पर पहुँच सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है, इस संदर्भ में पहला बिंदु है राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए। ये महती आवश्यकता प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से महसूस की जा रही थी कि राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन बनाया जाए, और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम राजनीति विज्ञान के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करें। दूसरा, राजनीतिक शास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान बनाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल जैसे आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किया कि राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाना है, और उस व्यवस्थित विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में और विश्वसनीय सिद्धांत होने चाहिए। तीसरा, राजनीति विज्ञान को दर्शन की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था, जिस पर दार्शनिकता की अमिट छाप थी, उस दार्शनिक मानसिकता से बाहर निकालना राजनीति विज्ञान को बहुत ज़रूरी था, और ये बाहर निकालने का काम सिद्धांत ही कर सकते थे, इसलिए सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में अभिवृद्धि करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। हम जैसे जैसे सिद्धांतों का निर्माण करते जाएंगे, हमारे विषय क्षेत्र की अभिवृद्धि होती जाएगी। पांचवा बिंदु है विषय और सिद्धांतों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए, कि जो हमारा विषय है, जो उसमें नए सिद्धांत बन रहे हैं या जो पुराने सिद्धांत बने हुए हैं, वो इस प्रकार के होने चाहिए, इतने विश्वसनीय होने चाहिए कि कार्य और उसके पीछे होने वाला कारण स्पष्ट रूप से हम समझ सकें और समझा सकें। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल आदि विद्वान ने राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत निर्माण में और उसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक सिद्धांत के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला जो रूप है वो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जिसका विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन। प्लेटो का चाहे आदर्श राज्य हो या सेंट ऑगस्टाइन का दो नगरों का सिद्धांत हो, ये इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो पहला बिंदु है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत
मूल्यों, आदर्शों और परम तत्वों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। चाहे प्लेटो का न्याय हो, अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र, लॉक का प्राकृतिक कानून या रूसो की सामान्य इच्छा, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। दूसरा बिंदु है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत सिद्धांत निर्माताओं की मान्यताओं पर आधारित है, उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं से पल्लवित हुए हैं, उनके समक्ष आनुभाविक तथ्यों, जांच, प्रमाण, अवलोकन आदि का महत्व नहीं है। तीसरा बिंदु है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत शाश्वत और उच्च स्तरीय तत्वों से संबद्ध है, इसलिए इसकी प्रणाली, चिंतन प्रणाली तार्किक और निगमनात्मक है। चौथा बिंदु है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो सिद्धांत निर्माता हैं, विचारक हैं, वो न केवल समस्या का विश्लेषण करते हैं बल्कि उस समस्या का एक उचित समाधान प्रस्तुत करने का भी प्रयास करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा रूप है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन, हैरल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहल, आमंड और कार्ल डायट जैसे विद्वान इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं। इस सिद्धांत की प्रकृति के कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला है अनुभववाद और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित। यह सिद्धांत पूरी तरह वैज्ञानिक है और अनुभव पर आधारित है। ये उन्हीं सिद्धांतों को अपने अध्ययन में शामिल करता है जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति पर कसा जा सकता हो। दूसरा, यह सिद्धांत मनुष्य के केवल राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक जीवन का अध्ययन नहीं करता। तीसरा, यह सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, इसका मूल्यों से, आदर्शों से या कल्पनाओं से कोई वास्ता नहीं है। चौथा, ये सिद्धांत समस्याओं का विश्लेषण करता है और समस्याओं के वास्तविक समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अगला टॉपिक है हमारा राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। दो प्रमुख अंतर हैं, इसमें पहला है राजनीति विज्ञान में काल्पनिक, आनुभाविक सभी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत में केवल और केवल आनुभाविक वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान बहुत व्यापक विषय है, जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक राजनीति, संगठन, सरकार और गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत अपेक्षाकृत सीमित विषय है, जिसमें केवल वैज्ञानिक पद्धति के विश्लेषण से प्राप्त सिद्धांतों का अध्ययन होता है।